हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दालों को एक ही रात में अंकुरित करने का सबसे आसान तरीका, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, वो भी बिना स्प्राउट मेकर के। इस वीडियो में मैं आपको कई ऑप्शन दूंगी, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका यूज़ करके आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे स्प्राउट्स जो हैं चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी उनमें स्मेल आने लगती है। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि बिना चिपचिपे हुए, बिना स्मेल आए हम स्प्राउट घर पर कैसे बना सकते हैं और इन्हें 10 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये तीनों तरह के स्प्राउट ले लिए हैं, चना, मूंग और रमास। इन तीनों ही स्प्राउट्स को हम अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगोएंगे। इन्हें मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इस प्रोसेस को थोड़ा क्विक करने के लिए मैं इन्हें गर्म पानी में भिगो रही हूँ। अगर आप इन्हें गर्म पानी में भिगोते हैं तो 5 से 6 घंटे, और ठंडे पानी में भिगोते हैं तो पूरी रात के लिए भिगोकर रख दीजिए। गर्म पानी में भिगोने से स्प्राउट बनाने का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। एक स्पून की मदद से हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तीनों ही स्प्राउट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें एक प्लेट से ढककर 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं, आइए देखते हैं ये हमारे स्प्राउट किस तरह से फूल गए हैं। नाखून लगाकर देख लीजिए, अगर नाखून जा रहा है तो ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। मूंग को भी हम इसी तरह चेक कर लेंगे और रमास को भी ऐसे ही चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारे स्प्राउट बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं और अब इन्हें एक चलनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारा पानी निकाल देंगे। सारा पानी निकल जाने के बाद स्प्राउट्स को किसी कॉटन के कपड़े पर या टॉवल पर फैला दें। 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें पंखे में इसी तरह सूखने दें। ऐसा करने से स्प्राउट चिपचिपे नहीं होते और उनमें स्मेल भी नहीं आती। स्प्राउट्स को हमने सूखने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हमारे स्प्राउट सूख रहे हैं, इसी तरह की मेरी यूनिक वीडियोज़ देखने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, अपने मोबाइल पर YouTube ऐप को क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही सर्च बटन को क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करते ही आपका कीपैड खुल जाएगा, तो इस पर आप नवरत्न रसोई को टाइप कीजिए। जब आप नवरत्न रसोई को टाइप कर लेंगे तो ऊपर नवरत्न रसोई लिखकर आ जाएगा, इसे आप सर्च कर लीजिए। सर्च करते ही आपको मेरा चैनल खुलकर दिखने लगेगा। यहाँ मेरा लोगो लगा हुआ है और ये देखिए, अगर रेड कलर से आपके में सब्सक्राइब लिखकर आ रहा है तो इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ पहले से ब्लैक आ रहा है तो आपको इसे दबाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से बेल आइकॉन को भी ऑल पर कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। इससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी उसका मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आज हम इस तरह की बास्केट में स्प्राउट बनाएंगे, वो भी बिना स्प्राउट मेकर के। अगर आपके पास ऐसी बास्केट नहीं है तो आप ये आटे की चलनी ले सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है तो आप इस तरह की चलनी का यूज़ कर सकते हैं, और ये चलनी भी नहीं है अगर आपके पास तो आप ये वाली चलनी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई चलनी नहीं है तो मैं आपको बिना चलनी के भी स्प्राउट बनाना बताऊँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, सारे स्प्राउट्स को इकट्ठा करके बास्केट में ट्रांसफ़र करेंगे और एक ऐसा बर्तन लेंगे जिसके अंदर ये बास्केट चली जाए और इस तरह से इसको रख देंगे। और जिस टॉवल पर हमने स्प्राउट्स को सुखाया था उसी को थोड़ा सा गीला करके, बहुत थोड़ा ही गीला करना है, पानी के छींटे ही मारने हैं, बस इस तरह से गीला करके इसे स्प्राउट्स के ऊपर ढक देंगे। टॉवल को एक प्लेट से ढक देंगे ताकि स्प्राउट्स में नमी बनी रहे। इसी तरह हम सारे स्प्राउट्स को अलग अलग चलनियों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने थोड़े से मूंग इस तरह ट्रांसफ़र कर दिए हैं और इसी तरह टॉवल को गीला करके इससे मूंग को ढक देंगे, और मूंग को ढकने के बाद इस टॉवल को भी एक बर्तन से ढक देंगे। इसी तरह हम एक एक करके सारी चीज़ों को चलनी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, स्प्राउट बनाने का इससे आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये इतना अच्छा तरीका है कि जब आप इससे स्प्राउट बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ये तरीका यूज़ करके ज़रूर देखिए। और अगर आपके पास किसी भी तरह की छलनी नहीं है तो उसके बिना भी आप किस तरह से स्प्राउट बना सकते हैं वो भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने अपनी सभी तरह के स्प्राउट्स को अलग अलग छलनियों में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसी कपड़े से मैंने उन्हें कवर कर दिया है और अच्छी तरह ढक दिया है। तो अगर आपके पास स्प्राउट मेकर नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद आपको स्प्राउट मेकर की ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। तो ये बहुत सारे तरीके मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कीजिए। ये देखिए दोस्तों, चलनी नहीं है तो आप इस तरह कॉटन के कपड़े में भी स्प्राउट्स को बांधकर थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए और इसे किसी भी बॉक्स के अंदर रख दीजिए। तो मैं इसे एक बॉक्स के अंदर रख देती हूँ ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे।
दालों को जल्दी अंकुरित करने के लिए किसी गर्म और डार्क प्लेस पर रखिए, जैसे किसी अलमारी या ओवन में। दालों को रखे हुए 10 घंटे हो चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो आप देखिए इस तरह से हमारी दालें थोड़ी थोड़ी ग्रो हो गई हैं। तो इसी तरह मैं सारी बास्केट को एक बार चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी बास्केट थोड़ी थोड़ी ग्रो हो गई हैं। मैं छलनी भी आपको दिखा देती हूँ और बॉक्स भी खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए दालों को रखे हुए 15 घंटे हो चुके हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारी दालें कितनी अच्छी अंकुरित हो रही हैं, और इस तरह से अंकुरित होते हुए आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दूसरी बास्केट भी चेक कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छे से अंकुरित हो गई हैं। अब 24 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, 24 घंटे के बाद मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हमारी दालें कितनी अच्छी ग्रो हो चुकी हैं। और एक बार मैं कपड़ा हटाकर आपको दिखाती हूँ, तो आप देखिए हमारी दालें कितनी अच्छी तरह से अंकुरित हो चुकी हैं। ये हमारे रमास हैं, इनमें इतने अच्छे कुल्ले फूटे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंकुरित हुई है। तो आइए आपको मैं चने भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो एक बार टॉवल हटा के दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, बिना झंझट सिर्फ एक रात में स्प्राउट बनकर तैयार हो गए हैं दोस्तों। इस तरह से इतने अच्छे स्प्राउट्स आपने आज से पहले कभी नहीं बनाए होंगे। तो मैंने आपको यहाँ बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारी ट्रिक्स दी हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को यूज़ करके स्प्राउट्स बनाइए। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे ही तरीके से बिल्कुल एक जैसे स्प्राउट अंकुरित हुए हैं। मैं आपको इसी तरह सारे स्प्राउट्स खोलकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे चलनी वाले स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे अंकुरित हो गए हैं। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह स्प्राउट बनाएं, उन्हें एक बॉक्स के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर 10 से 12 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। और आप जब भी इन्हें यूज़ करना चाहें, इन्हें निकालिए, पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए और इनका यूज़ कीजिए। दोस्तों स्प्राउट्स आपको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करते हैं। और इस तरह से आपको मैंने तरीका बता दिया है, ये बहुत आसान तरीका है। आइए एक बार बॉक्स और खोल कर देख लेते हैं कि इनके कैसे हाल हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे अंकुरित हुए हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए मैंने एक बॉक्स ले लिया है और उसमें ये सारे स्प्राउट ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और इस तरह से इन्हें कवर करके रख दिया है। तो इसी तरह मैं अपने सारे स्प्राउट्स को बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी और इन्हें 10 से 12 दिन के लिए फ्रिज में रख दूँगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और इसी तरह के यूनिक वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द मेरे चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक एंड फॉलो नवरत्न रसोई ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।